श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सावन के पावन महीने में हर तरफ मेरे भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। गांव-गांव और गली-गली में महाकाल के नाम की धूम है। एक लोटा जल का सपना आज साकार हुआ है और इन सब के पीछे एक बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ है। जी हां, हम और कोई नहीं बल्कि प्रदीप जी मिश्रा की ही बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, प्रदीप जी मिश्रा के पापा श्री रामेश्वर दयाल जी मिश्रा चने का थैला लगाया करते थे। और क्या आपको पता है, प्रदीप जी मिश्रा पहले शिक्षक भी थे। ऐसी कई बातें जो शायद ही आप प्रदीप जी मिश्रा के बारे में जानते होंगे। तो आज की शानदार वीडियो में हम जानेंगे श्री प्रदीप जी मिश्रा की जीवन गाथा के बारे में। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जन्मे पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा का जन्म सन 1980 में हुआ था, जिनकी उम्र अभी लगभग 42 वर्ष है। पंडित जी के परिवार में उनके अलावा उनके माता पिता, जिनका नाम श्री रामेश्वर दयाल जी मिश्रा एवं श्रीमती सीता मिश्रा है, और उनके दो भाई भी है जिनका नाम दीपक मिश्रा एवं विनय मिश्रा है। उनकी पत्नी एवं दो पुत्र है जिनका नाम राघव मिश्रा एवं माधव मिश्रा। इसके अलावा हमें उनके परिवार के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि वह निजी जीवन को उजागर नहीं करना चाहते। अपनी कथा से सबके जीवन में अमूल्य परिवर्तन लाने वाले अंतरराष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रदीप जी मिश्रा का जीवन शुरू में बहुत ही कष्टदायक बीता है। जब वह छोटे थे तब उनके पास पक्का मकान भी नहीं था। उनका बचपन मिट्टी के मकान में निकला है और आज भी सीहोर में वह एक छोटे से मकान में ही रहते हैं। ना ही उनके पिताजी के पास कोई स्थायी नौकरी थी। उनके पिताजी चने का थैला लगाते थे। प्रसिद्ध भजन गायक एवं कथाकार पंडित जी का उपनाम रघुराम है। उन्होंने सीहोर की ही स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की है एवं उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने शिक्षक बनकर कई विद्यार्थियों में ज्ञान की ज्योत जलाई है एवं उनके पास आए हुए विद्यार्थी आज सरकारी नौकरी एवं कई अन्य क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें बचपन से ही कथा का बहुत ज्यादा शौक रहा है। यह कथा सुनने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाया करते थे। कथा सुनते सुनते एवं अपनी पढ़ाई के साथ में इन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों, वेदों, पुराणों आदि का बहुत गहरा अध्ययन किया है। आज की तारीख में पंडित जी इतने फेमस हो चुके हैं कि इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा लिया है। अगर बात करें इनकी सबसे अच्छी चीज की, तो यह अपने टोने टोटके और अपने उपायों के कारण अभी बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं। जहां पंडित प्रदीप जी मिश्रा की बात आती है, वहां कुबेरेश्वर धाम की चर्चा होना स्वाभाविक सी बात है। यह सीहोर के ग्राम चितावलिया में मुरली मनोहर के मंदिर के साथ बनवाया जा रहा है। पूर्ण रूप से शिव की भक्ति में डूबे पंडित जी के कुबेरेश्वर धाम में उनकी समिति, जिसका नाम विठलेश सेवा समिति है, जिसके द्वारा कुबेरेश्वर धाम बनवाने का काम करवाया जा रहा है। दोस्तों, धाम चाहे शिव का हो या शक्ति का, बालाजी महाराज का हो या हमारे मोर मुकुट बंसी वाले का, हर जगह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जरूर की जाती है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि कुबेरेश्वर धाम में अब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। यहाँ आपके मात्र विश्वास एवं मन की मजबूती से ही आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम आराध्य भगवान शिव की धरा है। जी हाँ, यहाँ पर देवों के देव महादेव साक्षात विराजते हैं। जरूरत है तो केवल श्रद्धा और विश्वास की। अभी कुबेरेश्वर धाम में बड़े से शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है, जो बस अब जल्द ही पूरा होने वाला है। वहीं रुद्राक्ष का वितरण कुबेरेश्वर धाम में अभी रोक दिया गया है। क्या आप कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ चुके हैं? हमें इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप रुद्राक्ष से संबंधित और कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष के ऊपर जल्द ही संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। बने रहिए चैनल के साथ इसी प्रकार की आगे भी अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।